घोसी उपचुनाव में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान साहब हैं। सर, क्या लग रहा है माहौल? घोसी की जनता इस बार कितना साथ देगी आप? आप लोग घूम रहे होंगे, समीक्षा कर रहे होंगे, आज पूरे घोसी विधानसभा की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी है। जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस देश के मान सम्मान पहचान के लिए काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो देश का सम्मान बढ़ा है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस देश का चतुर्थिक विकास हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का जो चतुर्थिक विकास हो रहा है, उससे प्रभावित होकर के इस प्रदेश में अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित, यहाँ तक अल्पसंख्यक तक लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल की बटन दबाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। बड़ी तोहमतें लग रही हैं आपके ऊपर कि मंत्री बनने के चक्कर में चले गए, लालच में चले गए, तमाम बातें मार्केट में समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनको मंत्री बनने का शौक था, उनको पद की लालसा थी, इसलिए चले गए। क्या ये हकीकत है? ये समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश है। आज आप जानते हैं कि मोदी जी देश रहे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, और जिस गरीब परिवार में पैदा होकर के पिछड़े समाज में, आज लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और तीसरी बार जब देश की जनता ने संकल्प लिया प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और मुझसे भी कहा गया, मैंने कहा अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दारा सिंह चौहान को विधायक की सीट नहीं, अगर मंत्री पद भी छोड़ना होता तो उसको भी ठोकर मार्केट में मोदी जी के साथ खड़ा होता। 2022 में सोचना चाहिए था इस बात को, आप चुनाव लड़े थे, इस्तीफा दे दिया एक ही साल के अंदर। यही तो ठीक है, कुछ इशू ऐसे होते हैं कभी कभी, और आज हमारी पार्टी पूरे तरीके से इस देश में वंचित, पीड़ित, पिछड़ों के हित में काम कर रही है, और इससे सारी चीज़ों से प्रभावित होकर के मैं पुनः घर वापसी मेरी हुई है। तो किसी जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं इल्ज़ाम? बुनियाद, हताश और निराश लोग हैं, क्योंकि पूरी तरीके से, बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव में हारने जा रही है। अवसरवादी भी कहा जा रहा है आपको? अवसरवादी का आरोप लगाने वाले सबसे बड़े अवसरवादी हैं जो कभी भी किसी पार्टी के साथ खड़े नहीं रहे। मैं किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में कभी अवसरवाद नहीं, हमेशा सम्मान के लिए काम किया है, स्वाभिमान सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। आज पूरा का पूरा गरीब समाज का सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी से आप विधायक रहे, कह रहे हैं धोखा दे के चले गए, तो आपके बारे में तो यही भ्रामक है और प्रचार है? प्रचार है ना, ये 5 तारीख को घोसी की जनता पूरे मैंने शिद्दत के साथ इनका जवाब देगी, और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करेगी, तब लोगों को लगेगा कि धोखा उन लोगों ने दिया कि किसने दिया। बातचीत के लिए शुक्रिया दारा सिंह चौहान साहब, बहुत ही मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और इनका कहना है कि 5 तारीख को जब चुनाव होगा तो फिर उसके बाद नतीजे भी आएंगे और नतीजों में हमारी जीत सुनिश्चित होगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।